हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेसीबी के बैटरी में अगर आपका जैसा उसमें पानी पड़ा रहता है और पानी कम हो जाता है तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको जब भी आपके मशीन में पानी कम होता है तो सबसे पहले आपको डालना है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बाद में बैटरी फट भी सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए, जो कि मैं ये इसका जो पानी पड़ता है पानी लेकर आया हूँ और जो कि चलता हूँ मशीन में बैटरी के पास किस तरीके से डालेंगे बैटरी में, वो चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से आपको डालना है। और जो कि जितने भी हमारे हेल्पर भाई हैं, हमारे नए नए ऑपरेटर भाई हैं, उनको जानकारी नहीं है तो उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और देख सकते हैं ये वाला जो कि हम लोग खरीद के लेकर आए हैं, एक 25 रुपया पड़ा है और यहाँ पर 2 बाटल मैं खरीद के लगाया हूँ। और चलिए यहाँ पर डालते हैं, फिर देखते हैं बैटरी में किस तरीके से डालना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा बैटरी जो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 जो भी ये जो हमारा ढक्कन दिख रहा है, इसको हमको खोलना है इस तरीके से जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से खोलना है और यहाँ पे आपको देखना है कि पानी हमारा कहाँ पर दिखा रहा है, मतलब ये लेवल में नहीं है, पूरा डाउन में है। तो ये जो ढक्कन है ना, इसके यहाँ तक पानी रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ढक्कन है इसमें टच होना बहुत ही ज़रूरी, ये बात आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाटल को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक पहला बाटल यहाँ पे खोलता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से बाटल को खोलेंगे। एक मिनट, थोड़ा मैं बाटल को पहले खोल लेता हूँ इस तरीके से। देखिए, बाटल ये खुल गया है। बाटल खोलने के बाद इसको हम यहीं पे डालेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे तन्नी यहाँ पे डाल दिया, मतलब पानी जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के भाषा थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, तन्नी बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा भर गया, इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। उसी तरीके से ये दूसरा खोलेंगे, दूसरा खोल के इसमें भी उसी तरीके से भरेंगे, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे पानी को डालना है और देख सकते हैं कितना मैं लेवल यहाँ पे भर रहा हूँ, मतलब जो हमारा ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन इसके लेवल में आना चाहिए, मतलब जहाँ हम बंद करते हैं वहाँ पे लॉक हो जाए जाके, बस उतना ही डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे गेबर जो हमारा गैप था वहाँ पे मैं भर दिया हूँ और इसके बाद इसको हम लॉक कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप मशीन चलाते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है पानी डालने का। अगर पानी नहीं डालेंगे बैटरी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जितना भी यहाँ पर बोल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब जो ढक्कन खोलने का बैटरी का, सभी में इसी तरीके से खोल के पानी को डालना है, देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे अभी मैं 3 भर दिया हूँ और यहाँ पे अब चौथे का नंबर आ गया और चौथे को भर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पानी आपका रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मशीन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। देखिए, एक बाटल था हमारा 1 लीटर, ये ख़त्म हो गया। अभी दूसरा वाला यहाँ पे डालते हैं, इसको रखते हैं और दूसरा वाला यहाँ पे जो है कि इसको ओपन करते हैं।